has got the best fried chicken burger? आज इसके बारे में बात करते हैं। So hello and welcome to a new video. I hope you guys doing well. And जब भी हमारे को बर्गर खाना होता है ना तो ऑप्शन तो बड़े सारे होते हैं, ठीक है। बट जब हमें KFC स्टाइल वाला बर्गर खाना होता है ना तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन है KFC ही बचता है, क्योंकि वैसा फ्राइड चिकन बर्गर ना और कोई भी नहीं बनाता। बट आज ना हमने मतलब कुछ लोग ढूंढ निकाले हैं, जिसमें से एक तो हमारे को हमारे सब्सक्राइबर ने रेकमेंड किया था, तो हम उसको ऑब्वियसली ट्राई करते हैं। एंड एक तो हमने खुद ढूंढा है, ठीक है, जो फ्राइड चिकन बर्गर बनाता है। सो इट्स टाइम फॉर मुंबई में जल्दी को लोग कहते हैं भाई आज हम खाएंगे बर्गर जो एकदम फ्राइड फ्राइड फ्राइड। यस, ओनली फॉर यू गाइस तो आज ये तीन ब्रांड्स हमारे पास, KFC हो गया और ये हमारा हो गया गुड फ्लिपिंग बर्गर, ये हो गया हमारा लुई, ठीक है। तो आपको पता नहीं तो आपको पता चल जाएंगे कौन से ब्रांड्स हैं। तो आज हमको ट्राई करने वाले, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कौन सा ब्रांड, सबसे पहले गुड फ्लिपिंग बर्गर ट्राई करते हैं, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। लेट्स ट्राई। ओके, इट्स टाइम फॉर फर्स्ट बर्गर एंड ये है गुड फ्लिपिंग बर्गर, ठीक है। तो इसको हमारे सब्सक्राइबर ने रेकमेंड किया था, तो हम सोचा ट्राई करके देखते हैं। तो सर बर्गर है ना, ये एकदम डिफरेंट टाइप का बर्गर है। इसका प्राइस भाई साहब क्या बता दो? प्राइस है 325 रुपए, मतलब 325 रुपए। ओके, तो बर्गर के अंदर क्या आपको बताया था? तो ये जो बन है ना, ये काइंड ऑफ मुझे एक बीच का लग रहा है, ब्रियोश का, एक नॉर्मल जैसे बन होता है वैसे टाइप का, नॉट एक्जैक्टली ब्रियोश एंड नॉट एक्जैक्टली जैसे नॉर्मल आपका बन होता है, बट ये समथिंग इन बिटवीन उसके, ठीक है। तो ये है हमारा बर्गर, इसके अंदर एक सॉस है जो मुझे मतलब स्पेसिफिकली पता नहीं कौन सी है, बट आई एम गोइंग टू राइट डाउन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड इसके अंदर फ्राइड चिकन है और इसके नीचे ना इन्होंने लेटस डाली है, एंड दिस इज नॉट योर आइसबर्ग लेटस, दिस इज डिफरेंट लेटस, ओके, दूसरी टाइप की, या नीचे भी वही सेम सॉस है शायद से, राइट? यस, सेम लग रही है, सेम टाइप की सॉस है। एंड ये बर्गर हमारा है, तो साइज लाइक अच्छा साइज का बर्गर, साइज है बड़ा साइज है बर्गर, बहुत बहुत अच्छा, मतलब बर्गर का साइज है, मतलब खाते आपका पेट भर जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता होना चाहिए, पेट भरना चाहिए। तो अभी तो हम लोग ट्राई करते हैं, भाई साहब एक उठा लो इस बर्गर को, ठीक है। एंड ना आज हमारा मेन मोटिव है कि हम ना जो KFC है ना, बैठ के ग्रिप निकाल के आगे का नहीं बोल सकता भेड़िया, ठीक है। तो बैठ के ग्रिप निकालेंगे और फिर हम देखेंगे KFC, बैठ के ग्रिप से खेलेंगे, बैठ के ग्रिप से खेलेंगे। तो अभी हमें देखना है कि ये बर्गर KFC के सॉस पता नहीं कौन सी है, बट आई एम अज्यूमिंग इट इज मयो, बिकॉज इट हैज गॉट अ लिटिल बिट ऑफ हीट, तो मुझे ऐसा लग रहा है स्पाइसी मयो टाइप की है। बट बर्गर का जो फ्राइड चिकन है, ओह माय गॉड, आई थिंक आज का हमारा बेस्ट फ्राइड चिकन है जो हमने खाया है, आई गेस अभी तक लाइक सो फाइव पीस अभी रहता है इसके अंदर बर्गर और खाना, ठीक है। एक सेकंड ब्रांड भी रहता है, केएफसी भी ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली। अब इसको हम लाइक समअप करते हैं, इस बर्गर को जो बन है इट्स वेरी टेस्टी, वेरी गुड, यस, जो चिकन है बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेटिस मेरे को लगता है कि दूसरी टाइप की आइसबर्ग हो सकती है, वो बट इसकी सॉस बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट है, सॉस बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड। ऑल इन ऑल जो सा गुड फ्लिपिंग बर्गर का ये क्लकिनेटर है, ये मुझे बहुत टेस्टी लगा, एंड वर्थ इट है, साइज बहुत सफिशिएंट है, यस, वेरी गुड। एंड जो चिकन है स्पाइसी है, बहुत एक है इसमें, किक है इसके अंदर, ब्रेडिंग बहुत अच्छी है। ओके, स्टार फॉर सेकंड बर्गर, एंड ये लुई का लुई फ्राइड चिकन बर्गर, एंड इसके अंदर भी फ्राइड चिकन है ऑब्वियसली, यही हमारा आज का महोदय। ओके, स्टार फॉर सेकंड बर्गर एंड लुई, हाय हाय लुई, ओके, स्टाइल फॉर सेकंड बर्गर, एंड ये है लुई का द फ्राइड चिकन बर्गर, है ना। मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि ना हम पहले रीटेक कर चुके हैं, हमें हंसी आ रही बस, ठीक है। अभी आपको बर्गर दिखाने का बकवास नहीं करनी, मतलब मेरे साथ मतलब किसी ने बकवास नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बर्गर है, एंड ये बर्गर ना वैसा दिखता है ना, आपको बाहर की वीडियोस में दिखता होगा वैसा, तूने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंस्टाग्राम की फीड्स पे, यस, आपकी इंस्टाग्राम की फीड कैसी है वो आपको पता है, अच्छी होनी चाहिए आपकी, मेरी फीड पता नहीं कैसी, मुझे बताया मेरी अच्छी है, हाँ मेरी भी अच्छी है, ठीक है। तो ये बर्गर का ऊपर ब्रियोश बन है, एंड एकदम चमक रहा है, मतलब शाइनी है, यस, ऐसा एकदम शाइनी टाइप का है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर भी फ्राइड चिकन है, क्योंकि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ही फ्राइड चिकन के बर्गर का है। बट इसके अंदर पिकल्स भी है, एंड इनकी सिग्नेचर सॉस भी है। बट शंकर तू ध्यान से देख, इन्होंने चिकन को थोड़ा सा डस्ट किया, एक सीजन करे ना चिकन को, एंड नीचे भी इसके ना इन्होंने सॉस डाली है, एंड लेटेस है, ठीक है।
तो ओवरऑल बर्गर देखने में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। बट यू नो सी एक चीज क्या है, जो फ्राइड चिकन है ना थोड़ा बहुत केएफसी जैसा नहीं दिख रहा है देखने में, सिर्फ देखने में हल्का फुल्का सा केएफसी जैसा है, एंड ये बहुत ज्यादा लाइक यू नो एक काइंड ऑफ गिगेंटिक बर्गर है, फैट टाइप का बर्गर है, जैसे एकदम मोटा सा जैसे कोई बर्गर होता है, को दिखाता हूँ ठीक है, एक बार देखो कितना ज्यादा इसका बेइज्जती हुई है, मोटा बर्गर है पर हम अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। एंड इसके अंदर भी सेम लेटर्स है जैसी उसके अंदर थी ना, सेम वैरायटी ऑफ लेटर्स, मेरे को लगता है कौन सी है, रोमेन तो नहीं है, एकदम पता नहीं, याद नहीं यार कौन सी वाली, ठीक है तो हमें क्या मतलब, हम बर्गर खाएंगे, लेट्स ट्राई दिस बर्गर एंड देखते हैं द लुई फ्राइड चिकन बर्गर, इसकी खुशबू अलग सी है, अलग है, काइंड ऑफ जिंगरिश टाइप, काइंड ऑफ यस, लेट्स ट्राई दिस, ओके 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 तो ये बर्गर जो है इसका टेस्ट अच्छा है, बट मेरे को इसके साथ एक चीज बताया था, जो गुड फ्लिपिन बर्गर था दे यूज चिकन ब्रेस्ट एंड इन्होंने यूज करा चिकन थाई का, ठीक है व्हाट आई फील, एंड शायद से चिकन थाई है, थाई ही थाई है, एंड वो अच्छा टेस्ट कर रहा है, बट मेरे को इसमें एक, इसमें कोल्सलॉ भी है थोड़ा सा, मेरे को एक हल्की सी बिटरनेस आई है इसके अंदर, मुझे बिटरनेस नहीं लगी, मुझे बर्गर इन माय ओपिनियन से ज्यादा एक फ्रेश टेस्टिंग बर्गर है, एंड जो लास्ट वाला था गुड फ्लिपिन बर्गर था वो ऐसा, अगर आपको एक सॉसी बर्गर, सॉसी वाला बर्गर खाना तो वो है, बट मुझे ज्यादा अच्छा ये लगा, फ्रेश टेस्टिंग अच्छा है ये बर्गर, इसके अंदर ना स्पाइस नहीं है, जैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पाइस था, इवन दो दे डस्टेड इट विद द चिकन, उसको डस्ट किया था स्पाइस के साथ, बट इसका ओवरऑल टेस्ट अच्छा है, या जैसे इसने बताया ना कि फ्राइड चिकन बर्गर से टेस्ट कर रहा है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा टेस्टी था, बट स्टिल अगर मेरे से पूछोगे मैं बैट का ग्रिप किसको दूंगा, अच्छा भेड़िया बैट का ग्रिप अभी इसको मिलेगा, मुझे ज्यादा अच्छा ये लगा, उसमें पिकल्स भी है, पिकल तो इसका बैट का ग्रिप नहीं मिला, पिकल मेरे लिए ओके ओके लगा मेरे को, बट मेरे लिए अभी गुड फ्लिपिन तेरे लिए है, मैं नहीं है, ठीक है तो अभी ना हम ट्राई करने वाले ओजी, ठीक है मतलब ओल्ड गैंगस्टर, ओल्ड गुड, अपना गैंगस्टर, ठीक है तो अभी हम वो ट्राई करने वाले हैं, एंड देखें केएफसी वाला बेटर है सबसे, या नहीं हमने कहा तंदूरी जिंगर उनका, लेट्स ट्राई दैट वन, ओके इट्स टाइम फॉर लास्ट बर्गर, एंड जिसके लिए पूरी वीडियो हमने बनाई है केएफसी का तंदूरी जिंगर, इसलिए हमने तंदूरी जिंगर चूज करा क्योंकि ना इन सब के अंदर सॉसेस हैं, इन्होंने प्लेन मयो यूज नहीं करी है, तो तंदूरी जिंगर ताकि उनको भी एक चांस मिले, एक कॉम्पिटिशन मिले इसको, यस तो ये हमारा जिंगर, एंड आप सबको पता है कैसा दिखता है, बट फिर भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है अब इसका जो बन है, दिस इज लाइक बन जिसके ऊपर थोड़ी कॉर्न मील इन्होंने लगाई हुई है, ओके एंड देन दिस चिकन इनसाइड, बट अभी ना इसका प्राइस क्या है भाई साहब बताओगे जरा, इसका प्राइस है 199 रुपीस, तो 200 रुपए का, ठीक ठाक भाई साहब, ज्यादा महंगा भी नहीं आएगा, ठीक ठाक है, एंड इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर तंदूरी सॉस डाली है, चिकन का पीस है जो बहुत ही ज्यादा कंपैरिजन में छोटा है बाकी सबसे, एंड इसके नीचे उन्होंने प्लेन मयो भी लगाई है, ठीक है व्हाइट कलर की जो मयो होती है, एंड ऊपर तंदूरी मयो है, ठीक है तो अभी हम ट्राई करके देखने वाले हैं, भाई साहब आप एक पीस उठा लो, एंड एक पीस मैं उठा लेता हूँ, ये ला पीस आप उठा लो, ये ला मैं उठा लेता हूँ भाई साहब, ठीक है एंड इसके अंदर ना आप ध्यान से देखो जो बन टू चिकन रेशियो इज लाइक अजीब सा, ठीक है दिस मोर बन देन चिकन, यस एंड उन सब में क्या दिस मोर चिकन को बाहर तक, बट ये बात, ये प्राइस का डिफरेंस बहुत हाई है उसके अंदर, नहीं ये भी बहुत महंगा है, 250 का विद टैक्सेस है यार, let's try this one and देखते हैं इसका टेस्ट कैसा, let's see, okay it's good, मैं एक चीज में कंफ्यूज हूँ कि लुई ने चिकन ब्रेस्ट यूज करी है चिकन थाई यूज करा, आई एम नॉट यू नो श्योर अबाउट दैट, बट जो गुड फ्लिप है उसने चिकन ब्रेस्ट यूज करी है, मे बी मेरे को लगता है लुई ने भी शायद चिकन ब्रेस्ट यूज करी है, हो सकता है ये 100% थाई है, ये 100% थाई है, एंड टेस्ट कैसा लगा, मुझे अच्छा लगा रहा है इसके अंदर, अगर फास्ट फूड वाला बर्गर खाने का मन है ना तो यही बर्गर अच्छा है, जिंगर तो फिर क्लासिक बर्गर है, बट अगर आपको एक प्रॉपर फ्राइड चिकन बर्गर खाना तो उन दोनों में से कोई भी खा लो, बट वरना आई गेस ये भी सही है, बट मैं आपको चीज बताऊं जो मेरे हिसाब से इसका जो बन है बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, इवन द प्राइस काफी ज्यादा है, इट्स लाइक फॉलिंग अपार्ट एंड पूरा क्रम्ब कर रहा है, एंड जो गुड फ्लिपिन है उसका बन बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड देन लुई का भी अच्छा है, बट गुड फ्लिपिन मेरे हिसाब से इज बेटर, मुझे बेस्ट बन लुई का लगा, तो एक बार का चूज कर जो तू खाएगा अपनी आप पूरी जिंदगी के लिए, तो एक बार का चूज करना है पूरी जिंदगी के लिए, मैं जिंगल खाऊंगा बिकॉज ये कभी बोरिंग नहीं हो सकता, ये बेटर हो सकते हैं, ये बोरिंग नहीं होता कभी, तो भेड़िया बैट का ग्रिप केएफसी के लिए मेरी तरफ से, और इसके लिए भी सबसे अच्छा बर्गर की है, ठीक है बर्गर की है, ठीक है बर्गर की है, ठीक है तो केएफसी के लिए बैट का ग्रिप मेरे लिए, एंड मेरे लिए ना बेस्ट बर्गर है गुड फ्लिपिन का, एंड जो सब्सक्राइबर ने रेकमेंड किया था, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सलाम है आपको, अभी सलाम करो, सलाम क्योंकि आपकी चॉइस सही निकली, यस आपकी चॉइस सही निकली, इवन तो तूने केएफसी चूज करा, ठीक है तो आज की वीडियो में हमने ढूंढा, पर इसने तो केएफसी चूज करा, ठीक है बट मेरे को गुड फ्लिपिन अच्छा लगा, लुईस आल्सो गुड बट गुड फ्लिपिन फॉर नाउ,
तो आज की वीडियो में हमने आपके लिए ढूंढा बेस्ट फ्राइड चिकन बर्गर। बट लोगों को जाने से पहले भाई साहब क्या करना है, लोगों को थोड़ा फ्राई करके बता दो। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए ना और ऐसी नई नई वीडियो देख सको। यस, क्योंकि ऐसी और वीडियोस में कहीं नहीं मिलेगी जहां पर आप कमेंट करो एंड वो बंदा इतना वेलो की वीडियो बना रहा है, सीधे जो बोलोगे वीडियो बन जाती है। जीनी, ठीक है, जीनी ओनली फॉर यू। टिल दैट टाइम कीप इट इन नॉमिंग एंड टिल देन बाय बाय।